नमो संस्था मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से बीरेन विक्रम आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पीजीटी का पढ़ रहे हैं, झारखंड झारखंड पीजीटी का सामान्य ज्ञान प्रथम पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है भारतीय राज व्यवस्था इस समय पढ़ रहे हैं। तो आज भारतीय राज व्यवस्था का तीसरा एपिसोड है, जिसमें हम लोग संविधान का बैठक कब हुआ, कौन सा कानून कब किसके तहत आता है इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो थोड़ा रिवीजन करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 के जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वरिष्ठ अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो किस दिन चुने गए? 11 दिसंबर 1946 के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। उद्देश्य क्या या प्रस्ताव किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस दिन? 13 दिसंबर 1944 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्ताव को जो है संविधान में पेश किए। फिर आइए अगले अपने विषय पर चलते हैं। देख लिया, नंबर एक सवाल है, पहला प्रश्न है हम लोगों का, ये झारखंड पीजीटी का है। इसके बाद हम लोग झारखंड का राज व्यवस्था पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य पर संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? इसमें ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है किसी कारखाना या खान में नहीं लगाया जा सकता, यानी उसको रोजगार नहीं दिया जा सकता। यदि वह उसकी उम्र कितनी कम हो, 14 वर्ष से कम उम्र की हो, तो उसको जो है किसी भी कारखाना में नहीं लगाया जा सकता। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 यह कहता है कि यदि बच्चों की उम्र जो है 14 वर्ष से कम है, तो जो है उसको रोजगार नहीं दिया जा सकता है, किसी कारखाना या दुकान पे नहीं लगाया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाए। कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। समता का अधिकार या समानता का अधिकार यह है जो भारत के संविधान अनुच्छेद 15 में निहित है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता क्योंकि? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है दावा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, व्यापार और स्वतंत्रता का अधिकार का जो है भारत का ब्रिटिश का नागरिक जो है दावा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, या है कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है समाहित है। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। किस अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहे हैं, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में जो है कहा गया है संविधान उपचार का अधिकार।
फिर देखिए अगला सवाल, किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस सन में जो है मूल अधिकार को मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया है? तो 1976, 1976 में मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है साथ ही मूल अधिकार भी है? संविधान में मानवाधिकार भी है और साथ में जो है मूल अधिकार है, वह क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान में मानवाधिकार भी है और मूल अधिकार भी है, दोनों है। कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? मूल अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है ना? प्रश्न कठिन नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान ठहराई गई? प्रेस की स्वतंत्रता जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा मान ठहराई गई है। प्रेस जो है मीडिया स्वतंत्र है, कोई भी जो है न्यूज छाप सकती है किसी के भी खिलाफ, इसीलिए जो है ये वैध है। वैध किसके द्वारा ठहराई गई? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मीडिया जो है स्वतंत्र होती है। किस संवैधानिक उपचार द्वारा न्यायालय निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने के कारण पूछता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो है न्यायालय में जो व्यक्ति आता है उससे जो है कारण पूछता है, इसीलिए जो है इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को जो है प्रत्यक्ष लाओ या सामने पेश करो, ठीक है ना? फिर अगला प्रश्न है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 से 21 तक। अनुच्छेद 20 और 21 जो है न्यायालय द्वारा निलंबित रहता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? देखिए जो है वो तालाब हो, कुआं हो और स्नान घाट का हो, उसमें जो है किसी को रोका नहीं जा सकता, जो है आप इसमें स्नान नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते, और कुआं है, तालाब है, ये सब प्रयोग है, किस नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15 के तहत जो है किसी को वंचित नहीं किया जा सकता कि जो है कुआं में आप नहीं जा सकते, तालाब में नहीं जा सकते, स्नान नहीं कर सकते इस घाट पे, इस जो है निषेध नहीं है अनुच्छेद किसके 15 के तहत, ठीक है ना वीरेंद्र? कोई दिक्कत? भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा जो है मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मान लीजिए किसी देश में युद्ध हो रहा है, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा कर सकता है। कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? मान लीजिए कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या जो है हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो है उसको निलंबित किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है इसी कड़ी में,
संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो है केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्र है, संस्था बना सकता है, संघ बना सकता है, वो किसके तहत? केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार है। जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यक्ति जो है संस्था बना सकता है, संघ बना सकता है। फिर संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को किसे लागू करने की शक्ति दी गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है संविधान मौलिक अधिकारों को जो है लागू कर सकते हैं। केवल इन्हीं दो जो है दिया गया है अधिकार। किसको किसको? उच्च, सर्वोच्च हाँ, न्यायालय और उच्च सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय माने राज्य के हाई कोर्ट। हाँ, अब देखिए फिर इसी कड़ी में मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? तो हो जाएगा वाद योग। अब दे दिया जाएगा आपका प्रश्न में वाद योग क्या है, वाद योग से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन रहेगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन क्या हमारा होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है, अब पूछ रहा है मौलिक अधिकार है क्या चीज़। तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वह है जो आपातकाल में जो है निलंबित किए जा सकते हैं, बंद किए जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपातकाल आया है तो जो है मौलिक अधिकार जो है, हाँ, सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो है भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार जो है केवल 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है क्या चीज़? तो जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जो है 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। किसमें? संविधान में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 में जो है, या जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, छुआछूत की भावना जो है समाप्त करता है अनुच्छेद 17 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST को जो है मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। यानी वो SC ST जो है सब चीज़ कर सकते हैं, मौलिक अधिकार सामाजिकता आर्थिक व्यवसाय कोई भी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 के तहत जो है सब चीज़ कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 में और क्या है? अस्पृश्यता का अधिकार। इधर के जो है सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जो है झारखंड PGT TGT दोनों में आते हैं। चाहे झारखंड का PGT हो या तो TGT हो, सब में जो है आते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है यानी मौलिक अधिकारों का देख रेख कौन करता है? न्यायपालिका। हमारी जो है न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो मौलिक अधिकारों की जो है देख रेख करती है, संरक्षक है। किसी बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? कोई बात जो है मौलिक अधिकारों में संसद को जो है संशोधन करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार में केवल संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। वो किसके तहत? केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद के तहत जो है मौलिक अधिकार में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हैं? जो कौन सा संविधान द्वारा जो प्रदान किया गया है वो गैर नागरिकों को भी जो है प्रदान किया गया है, कौन सा कानून है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? जो है उद्योग के प्रबंधन में जो है कर्मकारों की भागीदारी प्रदान किया गया है, यानी जो कार्य करते हैं वो भी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43A, 43A। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? जो है राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा अधिकार है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 14 वर्ष की आयु तक के निःशुल्क बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है हमारे भारत देश में। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? कहाँ से ली गई है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व? आयरलैंड और स्पेन, दो देश से जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। कौन कौन से देश हैं? आयरलैंड और स्पेन। स्पेन और आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना अंगीकार किया गया है, लिया गया है। ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इधर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो हमारे नोट से जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं सब महत्वपूर्ण है, सब झारखंड PGT TGT सब में आते रहते हैं। हाँ, अगला सवाल है इसी कड़ी में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं कि लागू नहीं किए जा सकते? ये जो है प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना है, नहीं और हाँ, नहीं तो जो है इसी में जो है बहुत चूक हो सकती है। तो देखिए क्या कहा है, निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 37, कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो है न्यायालय भी लागू नहीं कर सकता है। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, बस मित्रों ये था आज का जो है एपिसोड 3, भारतीय राज व्यवस्था। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है अब झारखंड की राज व्यवस्था। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।